हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट प्रिंस वेलकम अब हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट किया था चैप्टर टू अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स सेवन ग्रेड हनी कोम बुक से अब हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं सो लेट्स क्विकली डू दिस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन पर उसको मैंशन कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन क्वेश्चन वन The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses this idea. It's a very simple question. आपको सिर्फ बुक के exactly उस टेक्स्ट को बताना है जहाँ पे it's more of a comprehension कि हमने बुक अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है इससे ये समझ में आता है तो हमें बुक से वो वाले टेक्स्ट को निकालना है जिसमें ये बताया जाता है कि जो म्यूजिक मास्टर है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा music बनाया था So, the answer is the music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheel of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along. This sentence in the text expresses the idea that the music master is making lovely music. So, we have kuch what is We text ki the two lines. Now, the second question is.

रुक्मनी कम्प्लेन कर रही थी कि एक हफ्ते से यहीं आ रहा है और अब इसको दूसरा घर ढूंढना चाहिए तो एक तो वो था और दूसरा जो बेगर था उसने भी कहा था कि पिछले एक हफ़्ते से इनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ सो so, इसमें से हम कोई भी एक जो आंसर है वो लिख सकते हैं आंसर इज़ नो द बेगर हैड बीन कमिंग टू रुकमणिज़ हाउस फॉर द लास्ट वन वीक फॉर द लास्ट वन वीक मतलब होता है पिछले एक वीक से वो आ रहा है आ रहा था। She asked to send him and Rukmani ने बोला उसको भगा दो रवि से कहा था नाउ अब इसका हम एक कॉन्फर्मेशन सेंटेंस दे रहे हैं कि उसने ये खुद कन्फर्म किया था बाई अ वीक बिकॉज ऑफ रुकमणि काइंडनेस सो उसने ये जो पूरा वीक है ये सर्वाइव किया है रुकमणि की

सो so, एक शार्प वी शेप जो एक स्ट्रक्चर बन गया था यहाँ पे उसको हम एक्चुअली इंग्लिश में द वर्ड इज फ्राउन फ्राउन मतलब जो हमारी भवें जो ऐसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्राउन करना जब हम एंग बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं या बहुत इरिटेट होते हैं तब हमारा इस तरीके का एक वी शेप आईब्रोज के तर पे बन जाता है सो द क्वेश्चन इज कि उस पर्टिकुलर लाइन से क्या समझ में आता है कि रुक्मणी का मूड कैसा था सो ऑब्वियसली रुक्मणी का मूड कैसा था एंगर शी शिव

इससे ये क्या सजेस्ट करता है ये कि जब वो ढूंढने के लिए उससे पता चली थी तब वो बहुत गुस्सा थी द फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्पलीट द फॉलोइंग हैव वीन गिवन फाइव सेंटेंसेस जो हमें बुक से बस कंप्लीट करना है सो रवि कंपल ललीज प्लेइंग टू एंड Isme, let's directly look at the answers. So Zavi compares Lalli's playing the violin to derailing of a train going completely off the tracks. So basically, yaha pe jo, this entire part is the answer, derailing. Up hai the teacher played a few notes on his violin and Lally.

Kept his body and soul together on their generosity for a whole week. He couldn't believe that they turned him away. Now, question kya question? The beggar said that the kind ladies of the household and the answer is kept his body and soul together on their generosity for a whole week. He couldn't believe that they turned him away. Next is after the lesson was over. द म्यूजिक टीचर आज लली इफ शी है क्या पूछा कि तुमने मेरी चप्पल देखी है क्या सो ये हो गया हमारा ये हमारे सारे आंसर हो गए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो सो जब वो लोग जाते हैं एंड विंडो से देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है तब जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब किया है हमें वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है सो लेट्स लुक इन टू देंस द म्यूजिक टीचर वॉज अ बोनी फिगर वो कैसे थे वो बहुत ही दुबले से थे इसीलिए हमने कहा है ही वॉज अ बोनी फिगर ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लल्ली विद हिज बैक टू द विंडो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो लल्ली के सामने बैठे थे और खिड़की की तरफ उनकी बैक थी मतलब उनकी पीठ थी ही वॉज अ बॉल्ड हेडेड मैन मतलब उनके जो उनका जो ये पूरा जो पार्ट था इसमें देर वो हेयर विथ फ्रिंच ऑफ ऑयल्ड अराउंड ऑफ ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड मीन्स जो नीचे जो यहाँ से कान के पास से सारे जितने भी बाल थे वो पूरे जो थे उनमें काफी सारा ब्लैक लाइक बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था उसमें एंड ही हैड एन ओल्ड फैशन टफ पुराने लोग जिस तरीके से करके नीचे से बांध लेते थे जिसे टफ्ट कहते हैं जो हमने डिस्कस किया था सो ही हैड दिस अब ये हो गया यहां हमने क्या बात की वो किस तरीके से दिखते थे और उनके किस तरीके से बाल थे अब ही वॉज वेरिंग वेरिंग अ शाइनिंग गोल्ड चेन अब उन्होंने क्या पहना था एक शाइनिंग गोल्ड चेन पहनी थी अराउंड हिस्सनेक और एक डायमंड रिंग भी पहनी थी ऑन हिज हैंड ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड बॉर्डर्ड धोती जिसे विष्टी कहते हैं हिज लार्ज फुट वॉज टक आउट ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज बीटिंग टाइम स्क्राउनी टो अगर आपको म्यूजिक मास्टर का डिस्क्रिप्शन देना है सो फर्स्ट यू विल टेल अबाउट वेयर वॉज ही सिटिंग कहाँ बैठे थे उनका उनके बाल का मतलब उनका वो कैसे थे वो बोनी फिगर के थे उनके सर पे बाल नहीं थे और जो जितने नीचे से थे उसको उन्होंने टफ्ट में बांधा हुआ था फिर उन्होंने गले में एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी उनकी हाथ में एक डायमंड रिंग थी उन्होंने एक धोती पहनी हुई थी जिसका बॉर्डर गोल्ड कलर का था एंड अपने जब वो ताल दे रहे थे तो अपने पैर को उसमें से निकाला हुआ था और अपने बड़े से अंगूठे से जो उनका दुबला पतला सा जो अंगूठा था उससे वो ताल दे रहे थे सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर सो डोंट मिस द पॉइंट्स मेक श्योर के सारे जो की वर्ड्स हैं वो आप याद रखें एंड दिस इज हाउ यू हैट मेक्स मृदू कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल वट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न सो थर्ड क्वेश्चन में वी हैव गॉट टू पार्ट पहला कैसे मृदु को पता चलता है कि बेगर जो है उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उसे कैसे पता चलता है जब वो दिखाता है अपने पैर जिसमें इतने सारे ब्लिस्टर्स हो रखे होते हैं ऑब्वियसली उससे ये पता चलता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं अगर होते तो वो अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों देता एक चप्पल खरीद लेता सो दिस इज हाउ वी विल राइट द आंसर मृदु कंक्लूडेड कंक्लूडेड मतलब उसने ये चीज उसको समझ आई और उसने ये चीज़ कही दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाय द चप्पल्स ये तो हमने पूरा क्वेश्चन से ले लिया क्योंकि बिकॉज ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स सो आंसर इज ओनली दिस मच कि उसके पैरों में पिंक पीलिंग मतलब जो जैसे सिर्फ छाला जो ब्लिस्टर हो जाता है फफोला होता है वो निकल भी रहा था मतलब वो फट भी रहा था पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमें ऐसे पता चलता है कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे बिकॉज ही हैड पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स बेयर मतलब नंगे ओके okay? मतलब जिसमें चप्पल नहीं है मृदु अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है मृदु ने क्या किया उस चीज़ के लिए उसने क्या सजेस्ट किया तो उसने क्या सजेस्ट किया था कि अगर तुम लोग के घर में कोई एक्स्ट्रा चप्पल है तो हम इन्हें दे देते हैं मृदु हैड एनी पेर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स डेट दे कोड गिव टू द बेगर सो दिस इज आर आंसर कि अगर उनके पास कोई भी ओल्ड पेयर है तो वो उसको बेगर को दे देंगे शी सजेस्टेड दैट ही नीड समथिंग ऑन हिस्स फीट उसने सजेस्ट किया कि उसे कुछ पहनना बहुत जरूरी है तो ये हमारा आंसर हो गया मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द क्वेश्चन हैव योर चिल्ड्रन शी बिगेन एंड देन सींग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोस्ट स्लोली सीन एनी वन लर्किंग अराउंड दरांडा सो जिस तरीके से रुक्मणी आई थी उन्होंने पूछा था क्या तुम लोगों ने देखा एंड देन शी चेंज्ड हर टोन सो उस में ये पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है अब हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है डू यू थिंक रियली वो पूछना चाहती थी कि उनका जो बेसिक क्वेश्चन था कि किसी ने उनके मास्टर के चप्पल देखे क्या रुकमण एक्चुअली वॉन्टेड टू आस्क द चिल्ड्रेन इफ हैड सीन द म्यूजिक मास्टर्स स्लीपर्स वो क्या चाहती थी वो सिर्फ इतना देखना चाहती थी इतना पूछना चाहती थी कि भैया तुम में से किसी ने म्यूजिक मास्टर के स्लिपर्स देखे हैं क्या क्वेश्चन क्वेश्चन इज डिड शी चेंज हर अचानक से उन्होंने उनका क्वेश्चन क्यों बदल दिया क्यों बदला था उन्होंने क्योंकि जिस तरीके से वो तीनों क्यूरियसली क्वाइट बैठे थे वहां पे चुपचाप बैठे थे कोई हरकत नहीं हो रही थी वहाँ पे तब उन्हें लगा जरूर इन्हीं ने कुछ किया है changed her question because she noticed that the children were curiously quiet this is our keyword the children were curiously quiet and she suspected all unko suspect matlab unko doubt hua that they must have done something with the chappels so there are two keywords that first one they were curiously quiet so she suspected unhe doubt hua that they only have done something with the चप्पल्स नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वट डिश इज थिंक हैड हैपेंड अब उनके दिमाग में क्या आया हुआ होगा कि क्या हुआ होगा She thought that the children had given the music master's chappals to the old beggar. क्योंकि अभी सिर्फ घर में एक beggar आया था तीनों बच्चे बाहर थे तो यही हो सकता है तो उनके दिमाग में यही आया कि कहीं इन्होंने वो चप्पल beggar को तो नहीं दे दी तो how would we frame this answer? हम इस तरीके से फ्रेम करेंगे शी थॉट कि जो बच्चे थे द चिल्ड्रन हैड गिवन द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू द ओल्ड बेगर उन्होंने उन उस बेगर को म्यूजिक मास्टर्स के चप्पल दे दिए सो मूविंग फॉरवर्ड ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैपी ओके वाई जैसे म्यूज़िक टीचर को गोपू मामा की चप्पल मिली तो ही वॉज वेरी हैप्पी लेकिन उसने दिखाया कि वो ज़्यादा खुश नहीं है सो so, ऐसा क्यों हुआ ऑब्वियसली क्योंकि उसको इतनी नई चप्पल्स मिली थी और उसने जो है उसके पास एकदम पुरानी एकदम डोटी चप्पल्स थी एंड उसने लल्ली के सामने झूठ कहा था कि मेरी चप्पल्स एकदम ब्रांड न्यू थी और मैं इतना महंगी चप इतनी महंगी चप्पल्स ख़रीद के आया था इसीलिए वो अपना वो उसको डिसअपॉइंटेड फील कराना था उसको दिखाना था था कि वो कितना निराश है कितना डिसअपॉइंटेड है सो लेट्स सी दी आंसर गोपू मामा चप्पल्स वर न्यू वाइल द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स वर ओल्ड सो ये फर्स्ट लाइन इज वेरी सिंपल गोपू मामा की चप्पल न्यू थी और म्यूजिक मास्टर की चप्पल जो थी बहुत पुरानी थी एंड शैबी लुकिंग शैबी लुकिंग मतलब बहुत ही गंदी हालत में थी वो ही हैड लाइड ही मतलब जो म्यूजिक मास्टर है उसने झूठ बोला था लाइट मतलब झूठ बोलना दैट चप्पल्स ब्रांड न्यू सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि गोपू मामा की चप्पल एकदम नई थी और म्यूजिक मास्टर की चप्पल पुरानी थी दूसरा पॉइंट हो गया कि जो म्यूजिक मास्टर थे उन्होंने झूठ कहा था वॉज हैप्पी गेटिंग बहुत खुश था लेकिन वाई वॉज ही चिल्ड्रन डन सो so, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि जो बच्चों ने हरकत करी उसके लिए वो कितना डिसअपॉइंटेड है बट गेटिंग दो न्यू स्लिप गेटिंग न्यू सेट ऑफ चप्पल्स ही दो एक्चुअली वेरी हैप्पी सो आई होप इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन सो ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वेनिस्ट इन अ मिनट वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव क्वेश्चन जैसे ही बेगर को वो चप्पल मिला ही मतलब होता है गायब हो जाना अचानक मतलब बहुत जल्दी चले जाना वो बहुत ही वहां से चला गया तो ये हमने ड्यूरिंग द चैप्टर भी डिस्कस किया था उसको लगा कि अगर अभी कोई बच्चों ने तो किसी से परमिशन ली नहीं है तो अगर अभी किसी ने देख लिया तो ये लोग शायद मुझसे चप्पल वापस ले लेंगे तो उसने वो चप्पल पहनी और वो निकल गया वहां से so same thing we have to frame in english. the beggar was in a hurry to leave after getting the chapels. so this entire thing is still like from our question. because he knew that the children have got them without seeking the permission of the elders, seeking matlab, matlab lena, okay, without seeking the permission, only permission mangi nahiti. ओके okay, तो एल्डर्स की परमिशन ली नहीं है तो अगर कोई एल्डर आके मना भी कर सकता है ही feared उसको डर था दैट दे हिम मतलब ये लोग चप्पल मुझसे वापस ले लेंगे सो ही लेफ्ट एना हरी सिंपल आंसर दैट उसको जो था उसको लगा कि चिल्ड्रेन जो हैं उन्होंने परमिशन नहीं ली एल्डर्स से उसको लगा उसको डर था कि ये लोग वापस ले लेंगे इसीलिए ही लेफ्ट एना हरी अंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुकमणी बिगन टू लाफ व्हाट मेड हर लाफ तो जैसे रुकमणी जो थी वो मृदु और मीना के साथ जब किचन की तरफ जा रही थी उनको नाश्ता देने के अचानक से वो हंसने लग गई थी वो क्यों हंसी थी रुकमणी वाज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स तो उन्हें क्या लगा अब जब गोपू मामा घर आएंगे ऑफिस से और जैसे उन्हें अपनी चप्पल्स नहीं मिलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा जब वो उन्हें पूरा ये इंसिडेंट बताएंगी बताएंगे कैसे जो है बच्चों ने जो म्यूजिक मास्टर की चप्पल बेगर को दे दी और आपकी चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी तो ये जो एक्सचेंज ऑफर चल रहा था जब वो इसके बारे में अपने हस्बैंड को बताएंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये सोच के शी वॉज स्माइलिंग लाफिंग सो द लुकमनी वॉज लाफिंग इमेजिनिंग गोपू मामा विदाउट हिस्स चप्पल्स तो ये पहला इमेजिनेशन पॉइंट हो गया ही हैड द हैबिट ऑफ टेकिंग आउट हज शूज इमीजिएटली आफ्टर कमिंग होम एंड पुटिंग ऑन दोज चप्पल्स उनकी क्या आदत थी अब यहाँ पे ये जो लाइन है दस ये जो दो लाइन्स हैं ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमको ये बताना पड़ेगा कि वाई वर दिस चप्पल्स इम्पॉर्टेंट फॉर गोपू मामा तो जैसे ही वो अपने ऑफिस से आते थे वो सबसे पहले अपने शूज उतार के इन चप्पल्स को पहन लेते थे इसीलिए इट वॉज इम्पोर्टेंट अब ये क्यों हंसी थी शी लाव विंग सोचते हुए कि हाउ वुड ही रिएक्ट ही मतलब गोपू मामा आफ्टर नोइंग द इंटायर इंसिडेंट तो जब उन्हें पूरा इंसिडेंट पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे यो, ये सोच के शी वॉज लाफिंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओके अब अगर हम इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट पाते विल लीव द हाउस शी बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द poor beggar विथ sores ऑन his फीट इफ़ द chappals डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड अब अगर हम तीनों sentences को ध्यान से देखें तो so इसमें क्या है अगर उनको पता चल जाएगा तो ये होगा अगर उनको पुअर बैगर के बारे में मतलब अगर उनको पता चलेगा कि पुअर बैगर के पैर में पूरे छाले थे तो शायद वो रिएक्ट नहीं करेगी अगर मेरे कुछ अगर वो चप्पल फिटाती तो क्या आपको बुरा नहीं लगता सो बेसिकली वी आर हियर विथ इफ़ क्लॉज इन सारे सेंटेंसेस में इफ़ क्लॉज यूज़ हुआ है सो so यूजली जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अगर ये होगा तो ओके okay? सो so अगर जो बोलते हैं दैट इज़ इफ क्लॉज अब हम इसमें देखते हैं वॉट आर वी सपोज टू डू सो वी आर गिवन हियर ऑल दीज सेंटेंसेस एंड वी हैव टू लाइक वॉक फास्ट यू विल कैच द बस हमें क्या करना है इफ क्लॉज को यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है दैट इज इट ओके सो लेट्स सी हाउ इट इज टू बी डन वॉक फास्ट यू विल कैच द बस ओके एंड हमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ओकेट्स लेट्स क्विकली डू विद दिस ओनली सो वॉक फास्ट यू विल कैच द बस जल्दी चलो तो तुम बस कैच कर लोगे तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे अगर हमें जोड़ना है अगर तुम जल्दी चलोगे तो तुम बस कैच कर लोगे इफ यू वॉक फास्ट अगर तुम जल्दी चलते हो यू विल कैच द बस तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू ऑल देंटेंसेस कि अगर तुम ये करोगे तो तुम यू नो तो ये हो जाएगा डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइंड अब इसको हम कैसे बोलेंगे अगर तुम रोड पे स्पिट करोगे तो तुम्हें फाइन लगेगा हमें अगर वाला सिनारियो uh, यूज करना है तो अगर तुम रोड पे स्पिट करोगे तो तुमको फाइन लगेगा सो so, हम बोलेंगे इफ यू स्पिट ऑन रोड यू विल बी फाइंड अच्छा इसमें एक चीज है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है दैट जब हम इफ क्लॉज यूज करते हैं सो इफ यू जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम डायरेक्ट जो हम वर्ब की बात करें वो आएगा यहाँ पे इफ़ यू विल स्पिट ऑन द रोड हम नहीं बोलते इफ यू कम और नहीं इफ़ यू कम आई कम विथ यू सो यूजअली हम इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं डोंट टाइ य सेल्फ नाउ यू वोट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग अभी ये तो हमारे एग्जाम्पल्स थे ओके okay? अब आते हैं फाइनल सेंटेंसेस सो लेट्स ट्राई देम एंड देन वी विल सी दी आंसर्स। सो या डोंट टायर योर सेल्फ ओके या डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वोट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग अपने आप को अभी मत थकाओ तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे सो हाउ वुड बी से दिस विल से दैट अगर तुमने अभी अपने आप को थका लिया तो तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्ज़ामिनेशन अगर तुम अभी अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो तुम एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करोगे वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिविजन अगर तुम अभी अच्छे से मेहनत करोगे देन यू विल पास यू नो विध फर्स्ट डिविजन बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू तुम अगर लोगों से अगर तुम लोगों से पोलाइट होगे तो वो तुमसे पोलाइट होंगे डोंट टीज द डॉग इट विल बाइट यू अगर तुम डॉग को बाइट करोगे तो वो तुमको बाइट करेगा सो दिस इज वट आई हैव एक्सप्लेन योर राइट नाउ इज कि कैसे हमको इन सेंटेंसेस को समझना है एंड नाउ लेट सी देंसर्स इफ यू ट योर सेल्फ नाउ यू वोट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू वर्क हार्ड You will pass the examination with first division. If you are polite to others, they will also be polite to you. If you tease the dog, it will bite you. Okay, Matlab, if you people will listen to this lecture carefully, you will get good marks in your exam. Right? If you listen to this lecture carefully, you will get good marks. So, this was our if clause. Let's move to the next question. अब इसमें this is very simple. हमको इसमें इसमें हमको हमको के बारे में बात करनी है हमको सिर्फ इसमें like, जो उन्हें करना है 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 सिर्फ जो उन्हें करना दिया हुआ राइट फॉर्म विद द राइट हेल्पिंग वर्ब संडे आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट अब अगर मैं घर में रहता हूँ तो मैं अगर मतलब अगर मैं बाहर जाता हूँ आई विल मिस द लवली संडे लंच एट होम सो द आंसर इज सिंपल अगर मैं बाहर जाता हूँ इफ़ आई गो आउट यू विल नॉट से क्योंकि इफ़ है सो so आप विल यूज़ नहीं करोगे इफ़ आई विल गो आउट नहीं बोलोगे इफ़ आई गो आउट आई विल मिस द अमेजिंग संडे लंच नेक्स्ट इज आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म

अगर आप इफ़ यूज़ कर रहे हो इफ़ के बाद डो नॉट यूज अ हेल्पिंग वर्ब एंड इफ के साथ आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हो जिसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इट इज लाइक उसका जो सेकेंड पार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है दिज आर लाइक डिपेंडेंट ऑन ईच अदर अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा सो so द एक का जो है कॉज जो है उस पर दूसरे का इफेक्ट आ रहा है इसलिए हम इसको इफ क्लॉज कहते हैं आई होप यू आर क्लियर विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इफ यू वांट टू इफ यू डोंट वांट टू इफ यू वांट हिम टू सो बेसिकली आपको ये तीनों चीज़ें यूज करनी है और इसके मतलब यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट्स इट डोंट गो टू द थिएटर आप डोंट गो द डोंट गो टू द थिएटर तुम मत जाओ अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो दिस इज हाउ वी से सो डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वॉन्ट टू ही विल पोस्ट योर लेटर वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो तो सो ही विल पोस्ट योर लेटर इफ यू वॉन्ट हिम टू प्लीज यूज माई पेन ओके तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो सो प्लीज यूज माय पेन इफ यू वांट टू नेक्स्ट इज ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला वो तुमको अपना अम्ब्रेला दे देगा अगर तुम, तुमको चाहिए सो ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला इफ यू वॉन्ट हिम टू तो अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे दे तो इफ यू वॉन्ट हिम टू गिव यू योर अम्ब्रेला विल गिव इट टू यू माई नेबर रमेश यू टू द नाउ हियर वी आर मिसिंग वन वर्ड डॉक्टर सो माई नेबर रमेश यू टू द डॉक्टर इफ यू वॉन्ट हिम टू अगर चाहते हो कि वो तुमको लेके जाए तो वो लेके जाएगा द लास्ट वन डोंट ईट इट इफ यू डोंट वॉन्ट टू तुम अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाओ सो यू हैव टू सी डोंट गो टू द थिएटर अगर इसमें डोंट आ रहा है सो यू हैव टू यूज समथिंग विद डोंट ओनली सिमिलरली अगर डोंट टीट इट सो इफ यू डोंट वॉन्ट टू अगर ही विल लैंड यू अगर कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व है तो इफ़ यू वॉन्ट हेम टू प्लीज यूज माई पेन अब से दो लोगों के बीच में बात हो रही है दर इज नो वन एल्स टॉकिंग सो प्लीज यूज माई पेन इफ यू वॉन्ट टू अब इसमें इफ यू वॉन्ट हेम टू नहीं आएगा सो दैट इज इट एज पर देंटेंस यू हैव टू फिल इन द राइट

तो क्या लगता है आपको क्या हमें पहले अपने एल्डर्स की परमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो इट्स ऑल ऑन यू मैंने यहाँ पे कुछ आंसर्स लिखे हैं आप अपने हिसाब से आंसर्स लिख सकते हैं अगर हमें किसी को कुछ देना है सो so पहली चीज़ अगर वो चीज़ हमारी है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है सो इफ देअर इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस वी कैन गिव और शेयर इट टू एनी वन विदाउट सीकिंग द एडवाइस ऑफ एल्डर्स जैसे कि बट यहाँ जब मैं बात कर रही हूँ मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रही करी सपोज आई एम ईटिंग अ चॉकलेट और मुझे वो चॉकलेट हाफ चॉकलेट जो है किसी के साथ शेयर करनी है अब उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे अपने पापा के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि पापा कैन आई शेयर इट विद माई फ्रेंड Ya, if I'm school, mein hoon and suppose my uh, partner has not brought his pencil or a pen, So I can always share. For that, I do not need to seek my elders' advice. Next one is yes, we should take the permission of our elders before doing anything. Everything we have is given to us by our parents, so we should take their permission or ask them before giving it to anyone. हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं भले वो हमारी हैं लेकिन एज ऑफ now when वी आर टॉक अबाउट kids वो हमारी है लेकिन हमें किसी ने दी है वी आर नॉट अर्निंग राइट नाउ अगर हमें किसी ने दी है वो तो हमें उनसे उनकी परमिशन मांगनी चाहिए ये एक दूसरा आंसर हो सकता है थर्ड वे ऑफ आंसरिंग द सेम क्वेश्चन इज इट डिपेंड्स ऑन द पर्पज एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम दैट वी आर गिविंग अवे टू सम वन वी शुड डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन वी आर इन सो ये जो है दोनों का मिला जुला आंसर है कि आप किस सिचुएशन में हो वो देखो कोई चीज़ जो आप दे रहे हो वो कितनी महंगी है क्या वैल्यू है उसकी उसके हिसाब से आप डिसाइड करो वेदर यू शुड गो टू योर एल्डर्स एंड उनसे उनकी परमिशन लेनी चाहिए या आप अपने हिसाब से डिसाइड करके दे सकते हो ऑब्वियसली अगर मान लो कि कोई घर में जो है लैपटॉप रखा हुआ है मोबाइल फोन रखा है यू के नॉट गिव इट टू एनी वन ना कि हाँ यार एक काम कर मेरे को देखे बहुत बहुत प्यार आ रहा है ये ले जाओ मोबाइल फोन ले जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज ऑल्सो डिस्कशन थिंग इज देर समर एज इन द फैमिली इज वेरी टॉकेटिव Do यू फाइंड हिम or हर इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव और अदरवाइज शेयर योर आइडियाज़ विद अदर्स इन द ग्रुप सो बेसिकली what's अ क्वेश्चन कि आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत टॉकेटिव है मतलब जो बहुत बातें करता है और आपको क्या लगता है आप उसको आपको वो इरिटेटिंग लगता है या आपको वो एक्सप्रेसिव लगता है या आप उस चीज़ को इंजॉय करते हो तो यू हैव टू गिव दिस आंसर अब आंसर्स कैन टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है सो यू कैन जस्ट से दैट आई डोंट हैव एनी वन इन माई फैमिली हु टॉक्स अ लॉट अब अगर आपके घर में कोई है जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं देन यू कैन से येस लाइक वॉट आई हैव रिटर्न इज येस माई यंगर ब्रदर इज टॉकटिव बट नॉट एट ऑल बोरिंग ही हैज गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब वो बहुत uh, अच्छी बातें करता है उसका दिमाग बहुत शार्प है एंड वो बहुत अच्छे आंसर्स देता है ही इज जॉयफुल एंड हिस्स पीपल एंड हिज पीपल इन्जॉय हिस्स कंपनी सो उसके जितने भी लोग हैं उनको उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो हमेशा बहुत खुश रहता है एक और आंसर हो सकता है कि हाँ भाई मेरे घर में कोई है बट वो मुझे बहुत पकाता है सो इन इंग्लिश वी कैन से येस आई हैव अंगर फर ऑल यंगर सिस्टर बट दे डू टॉक अ लॉट एंड इट इज़ वेरी इरिटेटिंग सो यू कैन जस्ट वाइट योर आंसर्स As per your personal experience. Next one is, has Zuckermani done exactly the same as the children? In your opinion, then is it right for one party to blame the other? अब ये एक बहुत अच्छा question है कि बच्चों ने क्या किया? They gave music master slippers to the beggar without asking anyone or without telling anyone. उन्होंने बिना किसी से permission लिए या बिना बताए चप्पल दे दी। अब रुक्मणी ने क्या किया था उन्होंने भी तो अपने पति की चप्पल जो थी वो बिना बताए म्यूजिक मास्टर को दे दी तो एक तरीके से दोनों ने किया एक ही काम है बस एज डिफरेंस है एक जो थी वो बड़ी थी और एक जो थे वो छोटे थे तो अगर दोनों ने एक ही काम किया तो क्या रुक्मणी को बच्चों को डांटना चाहिए था चाहिए था या नहीं चाहिए था तो so अब इसके लिए जो आंसर्स होते हैं जो मेरे दिमाग में आए बाय द चिल्ड्रन अब जो रुकमणी है वो बड़ी है शी इज रेस्पॉन्सिबल हम ये नहीं कह सकते बच्ची है कोई बात नहीं सो so, वो बड़ी थी उनके बच्चे अब उनके लिए उनके बच्चे उनकी रेस्पांसिबिलिटी है उनके घर में कोई भी आता है वो खुश होके वापस जाए उनकी चीजें उनके पास हो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सो so, बच्चों के कारण वो बहुत ही एम्बेसिंग मतलब एक शर्मसार सिचुएशन में आ गई थी इसीलिए द म्यूजिक क्योंकि म्यूजिक मास्टर की चप्पल घर से गायब हो गए थे तो इसीलिए उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मतलब अदरवाइज म्यूजिक मास्टर क्या बोलते हैं आप तो मुझे पैसे दीजिए ये कोई तरीका नहीं होता और ही वुड हैव सेड समथिंग बैड उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया गोपू मामा की चप्पल टीचर को दे दी इट वॉज राइट ऑन हर पार्ट टू बी अपसेट सो ऑब्वियसली बात है अगर वो लोग ये काम नहीं करते वो लोग म्यूजिक मास्टर की बेगर को नहीं देते तो उन्हें ये सब नहीं करना पड़ता और ये उन्होंने क्यों किया Because आपके घर में कोई आया है, तो आप उनको हर्ट करके या उनकी कोई चीज है वो चुरा के ऐसे नहीं दे सकते किसी को सो so शी yes, right और आंसर हो सकता है जो आपके में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा एंड रुकमनी डिट द सेम सो इट वॉज नॉट राइट फॉर ईदर ऑफ देम टू ब्लेम ईच अदर की दोनों ने एक ही काम किया इसीलिए हमारे हिसाब से उन्हें एक दूसरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था देव ब्लेम्ड ऑन ईच अट इट नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली इज टोटली ऑन यू इस क्वेश्चन में क्या है आपको मान लो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन है और आप सब लोगों को एक हॉस्टल में रहने को बोला गया है दे हैव बीन आज टू चूज अ पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर अ रूम विद और आपको कहा है कि आप कोई भी एक पर्सन को चूज कर लो उसके साथ आपको रूम शेयर करना है एंड इट्स अ बिग थिंग कि आपको मान लो दोनों को एक दूसरे की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है या दोनों बहुत ही अलग नेचर के हैं तो इट वी ईजी फॉर देम टू स्टे लाइक दैट मतलब वो कंफर्टेबली रह नहीं पाएंगे इसीलिए इट्स बेटर कि आप एक दूसरे से बात कर लो तो उन लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस हॉबीज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सब पूछ रहे हैं तो अब इसमें यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली द वे यू वुड वांट टू आप जिससे भी बात करोगे जब आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में करोगे तो द आंसर्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन यू वॉट डू यू इंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल आई इन्जॉय Sleeping, I enjoy watching TV, I enjoy talking to my mother, I enjoy playing cricket, anything. What do you like in general? I like chocolates, I like watching movies, so it's totally on you. Do you play any game? So now the answer can be no, I don't play any game, or yes, I play a lot of games, and you can name a few. Next one is I don't like, so you can say I don't like. Loud music, or I don't like uh, people yelling at me, anything, or I don't like uh, uh, you know a lot of uh, shouting going on at my house or my room. Would you mind if I listen to music after dinner? So, what would you say? Either you will say I would mind, or you will say I would not mind. Totally on you. Will it be alright if I

Is there anything you dislike particularly? Now, its answers can well. I can't share. Now you can say I can't share my chocolates, or I can't share my books, or I can't share my uh, my clothes. Anything? Do you like to attend parties? Oh, I hate parties. Another answer can be Oh, I love parties. Would you say you are? So, would you say you are what?

Stay tuned, stay connected and stay safe. Thank you. Bye.